सो वेलकम भाई लोग, भाई लोग कैसे हो? फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, जिससे कि काफ़ी भाई को प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि न्यू अपडेट के अंदर वहां पर FPP और TPP का बटन है वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे जैसे हम TDM खेलते हैं वहां पर शो नहीं हो रहे। तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट की, तो आज हम इसे जो कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे और आप भी मेरे साथ जुड़े रहे। अगर चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो लेट्स गो, हम चलते हैं फिर से, जो कि वहाँ पर आपको जो सेटिंग का ऑप्शन ही दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपने जैसे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पर बैक चलता हूँ, ठीक है, वहाँ से लॉबी में फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है वहाँ पर। तो जैसे मैंने क्लिक किया और वहाँ पर जो कि लॉबी में आ रहे, ठीक है। तो इन गाइज मैं लॉबी में आ चुका हूँ, वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पुराने दौर में हमें TPP और FPP का बटन है TDM के अंदर शो होता था, ठीक है। तो उसके बाद जो कि न्यू अपडेट के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ से आप सीधे सीधे FPP लगा सकते हो और सीधा सीधा जो कि आप TPP लगा सकते हो, और वहाँ से आपने जैसे मैच चेंज करते हो वहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो वहाँ पर आपने लोगों पर क्लिक करना है वहाँ पर, ठीक है। ये देखो वहाँ पर जो कि FPP और ये TPP, ठीक है, वहाँ से जो कि हमें मतलब स्क्रीन पे पहले शो कर दिखा देते थे अब वहाँ से हटा दिए गए, और वहाँ से आप डायरेक्ट FPP मैच लगा सकते हो जी, ठीक है। तो वहाँ से अभी TPP और वहाँ से FPP, ठीक है। FPP जैसे लगाते हो वहाँ से फिर जो कि आपका जो FPP है वो लग चुका है, वहाँ से आप जो कि इसी तरह खेल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो वहाँ से जो कि बटन है वो हटा दिए गए, ठीक है भाई, ऐसे नहीं कि वहाँ से जो कि पहले वहाँ पर शो होता था आप अपनी मर्ज़ी से जो कि लगा देते, अब वहाँ से हटा दिए गए। तो आई होप आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।